Good morning, children. So in previous classes of our Hindi session, we have studied about ek aur anek. क्या पढ़ा था हमने? एक पढ़ा था और अनेक. यही चीज हम senior classes में किस शब्द के रूप में पढ़ते हैं? वचन, जिसे बोलते हैं हम वचन. ठीक है. और ऐसे ही अब देखिए हिंदी क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है? वचन, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं एक और अनेक. जैसे कि अब इसमें देखिए आप, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैं, ये क्या है? अनेक. और जिस बच्चे का बर्थडे है वो हुआ एक. वचन के होते दो प्रकार है, एक अनेक पर करो विचार. ठीक है. जैसे कि एक लड़का, माँ, पिता, मेज, केक. एक में क्या क्या चीज़ें आई हैं? लड़का, माँ, पिता और केक. ये लड़का है, माँ है, पिता है, केक है, टेबल है. ठीक है, ये हुई एक चीज़. अब गुब्बारे, उपहार, कुर्सियाँ, बच्चे, टोपियाँ, मोमबत्ती. आप देखिए टोपियाँ कितनी सारी हैं, गुब्बारे कितने सारे हैं, तोहफे कितने सारे हैं, बच्चे इतने सारे हैं, कुर्सियाँ हैं, ये सारी चीज़ें क्या हुई? अनेक. ठीक है. दो प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन. पहले भी बताया था क्लासेस में, जैसे कि आपने अध्यापिका, लड़का, बच्चा आदि, ये सब क्या होते हैं? हमारे एकवचन में आते हैं. और बहुवचन में जब हम बहुत सारों की बात कर रहे हैं उसको कहते हैं हम बहुवचन. ठीक है. अब आप देखिए भाषा, भाषाएं, कविता, कविताएं, सेना, सेनाएं, दवाई, दवाइयां, मिठाई, मिठाइयां, चिड़िया, चिड़िया, तितली, तितलियां, कैरी, कैरियां, अच्छाई, अच्छाइयां, भेड़िया, भेड़िए, कौवा, कौवे, टोपी, टोपियाँ, कक्षा, कक्षाएँ, पेंसिल, पेंसिलें, मछली, मछलियाँ, बेटी, बेटियाँ. ये सारे क्या होते हैं? हमारे बहुवचन में आते हैं. अभी हमने सिर्फ एकवचन के बारे में पढ़ा और अब थे बहुवचन. जैसे आपके सामने बच्चा, बच्चे, एक बच्चे के बारे में बात करें और बहुत सारे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. इसी तरीके से जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, ये क्या हुआ? हमारे पास सिर्फ एक पेन के बारे में बात हो रही है. और यहाँ क्या है? मेरे पास बहुत सारे पेन हैं. तो एक पेन एकवचन हो गया, ये बहुवचन, एक और अनेक. ठीक है चिल्ड्रन. ओके, थैंक यू क्लास.